नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल धाकड़ एग्रो फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ मनीष धाकड़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे खाद फर्टिलाइज़र के बारे में बात करने वाले हैं जो 100% ऑर्गेनिक के साथ साथ प्लांट्स में आवश्यक सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है ये। तो दोस्तों, वीडियो लंबी होने वाली है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ़्को की सागरिका Z++ फर्टिलाइज़र के बारे में बात करने वाले हैं। एक प्रकार की ये बाल्टी आती है जो दानेदार फॉर्म में आती है। जैविक खाद है, 100% ऑर्गेनिक खाद है ये। और आपको ये कब देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए और इसकी बाज़ार में कीमत क्या है और हम इसको खाद देने से हमको क्या लाभ होंगे और इसका जो सही समय कौन सा है इसको देने का, इन सब की जानकारी हमारे इस वीडियो में आपको मिलेगी। दोस्तों, इफ़्को कंपनी की सागरिका यह समुद्री शैवाल से निर्मित दानेदार खाद होता है। यह पौधे के विकास के लिए मिट्टी वाले पोषक तत्वों को ग्रहण करने में मदद करता है और यह 100% ऑर्गेनिक है। और दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात करें कि इसमें कौन सा कंटेंट है, तो वो है जो कि समुद्री शैवाल से तैयार किया जाता है। यह 100% ऑर्गेनिक है। तो दोस्तों, इसमें और बात करते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें पाया जाता है ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जेब्रोलिन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, बोरोन, कॉपर, जिंक, अमीनो एसिड के अलावा मैंगनीज भी पाया जाता है इसमें। दोस्तों, जो सागरिका आ रही है इफ़्को कंपनी की मार्केट के अंदर, जो कि अन्य सामग्री होती है मिलाने के लिए, उन सभी को आपको इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सल्फ़र, NPK, जिंक भी है। तो दोस्तों, इससे क्या बेनिफिट होंगे हम आगे बात करने वाले हैं। और इसको सभी फसलों पर हम दे सकते हैं, सभी प्रकार की फसलों पर आप इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों, अब बात करते हैं रिकमेंडेशन डोज के बारे में, इस्तेमाल के बारे में। 1 एकड़ के अंदर 8 से 10 किलोग्राम जड़ों के पास देकर पानी चला देना है आपको। दोस्तों, आपको 1 एकड़ के अंदर 8 से 10 किलोग्राम जड़ों के पास देना है इसको। और दोस्तों, सबसे ध्यान देने वाली बात है कि फसल कम से कम 30 दिन की होनी चाहिए और जो फसल है वो परिपक्व से पहले देना है इसको। ऐसा नहीं हो कि यदि आपकी फसल पक रही हो और आपकी जो फसल होती है वो 30 दिन की और परिपक्व से पहले, पकने से पहले आपको इसको देना चाहिए। इसको आप 2 बार दे सकते हो दोस्तों। दोस्तों, कोई भी फसल यदि 100 दिन की होती है, 25 से 75 के बीच में आप उसको दे सकते हैं। यदि कोई आपकी फसल 100 दिन की है तो आप 25 से 75 दिन के अंतराल में आप उसको दे सकते हैं। दोस्तों, यह है छोटा सा एग्जांपल। तो दोस्तों, जो गेहूं होता है वनस्पतिक अवस्था में, जब वो फुटाव कर रहा हो या फिर जब उसकी बालियां निकलने से पहले आप उसको दे सकते हैं। और दोस्तों, इसका इस्तेमाल करने का तरीका है वो जड़ों के पास देना है, जैसे आप यूरिया को देते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको इसको देना है। यह CVD 45% ग्रेन्यूल्स है। यह एक समुद्र सैलाब से निर्मित दानेदार खाद है। किसान भाई, वो बात करते हैं इस खाद को देने से, इफ़्को सागरिका खाद को हम देंगे तो आप हमको क्या फ़ायदे होंगे। इसकी जो ग्रोथ और वड़वार होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होती है। नाइट्रोजन, सल्फर, जिंक, बोरोन, इन सभी की कमी को दूर करता है। मिट्टी में जो पड़े रहते हैं उन पोषक तत्वों को ग्रहण करने में काफ़ी अच्छी मदद करता है। जो रसदार फसलें होती है उन फसलों में ये फलों में रस की मात्रा को बढ़ाता रहता है। केले के अंदर, शकरकंद के अंदर, आलू के अंदर ये स्टार्च की मात्रा को बढ़ा देता है। फल और फूलों की संख्या में भी वृद्धि करता है काफ़ी ज़्यादा। जो नई नई फूटन होती है उनकी संख्या में भी यह काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करता है। जो नई नई प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक जड़ें होती है उन जड़ों का निर्माण करता है। ये गन्ने के अंदर सूडन और मिठास में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करता है ये, और प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करता है ये। तो दोस्तों, ये है इसके फ़ायदे। इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं हमको देने से। इसके अंदर साइटोकिनिन, ऑक्सिन, जेब्रोलिन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, आयरन, बोरोन, अमीनो एसिड और मैग्नीज भी है। लेकिन एक कारण है जो कि आप इसको ड्रिप की सहायता से नहीं दे सकते हैं। इसको घुलने में काफ़ी थोड़ा टाइम लगता है। इसको आप ड्रिप की सहायता से नहीं दे सकते हो अपनी फसल में। दोस्तों, जैसे आप यूरिया को देते हैं, अन्य फसलों पर आप यूरिया को देते हैं, छिड़काव विधि से करते हैं, उसी की तरह आपको देना और पानी को चला देना है। और यदि दोस्तों, जो आप ड्रिप वाली भी खेती करते हो तो उसके अंदर लिक्विड में भी आती है सागरिका का, इफ़्को कंपनी की है, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। ये 100% जैविक उत्पाद और ऑर्गेनिक खाद है। जो इसकी बाल्टी आती है वो 10 किलो की आती है। यह मार्केट के अंदर 500 के आसपास आपको मिल जाएगी मार्केट के अंदर। और इसका जो बैग भी आता है वो 400 या 500 रुपए के आसपास आता है मार्केट के अंदर। जो एक बाल्टी आती है 10 किलो की, उसको 1 एकड़ में आप दे सकते हैं। इसको आप जड़ों के पास में दें, इससे ना केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर की, इन सभी की कमी दूर होगी, आपकी जो फसल है वो सभी हरी भरी रहेगी
नए जड़ों का भी निर्माण होगा साथ साथ में, और उपज उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी इससे। सागरिका की जो बाल्टी आती है इफ्को कंपनी की, वो आप सभी फसलों के ऊपर दे सकते हैं। यह आपको हर एक मार्केट के अंदर खाद बीज की दुकान पे आपको मिल जाएगा। इसको आप लीजिए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए अपने खेत के ऊपर। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी सागरिका इफ्को कंपनी के बारे में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप फेसबुक पेज पे भी हो तो आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, ताकड़गंज के अंदर नाम से पेज है उसको फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। जय हिंद।